तो चलिए कुकस के बारे में सब कुछ बताता हूँ, कौन से कॉलेज कहाँ है और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं, बने रहिए लास्ट तक। स्वागत है आपका इस सभी का इस वीडियो में। मैं हूँ आज कुकस में, जो जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है और आर्या कॉलेज है। यहाँ पे आज मेरा एग्जाम का सेंटर था SSC 10 प्लस 2 का। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पार्किंग की सुविधा कहाँ मिलेगी, बैग या मोबाइल आपको अगर जमा कराने हो तो कहाँ जमा कराओगे, अगर ब्रेकफास्ट करना हो, नाश्ता, तो देखो यहाँ पे नाश्ते के स्टॉल हैं। एंड जो कुकस का पूरा एरिया है और यहाँ पर जितनी भी कॉलेज हैं, गाड़ी पार्क कहाँ करोगे, जितने भी कॉलेज हैं SP1, SP40, SP41, तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा क्या है यहाँ पे, आप किस तरीके से आ सकते हो, कैसे एग्जाम दोगे, पूरा एरिया का मैं वॉक अराउंड आपको करवाऊंगा। तो मैं हूँ रौनक और आप देख रहे हो रौनक जयपुर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों थोड़ी सी मैं आपसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे। एक्चुअली आज मेरा था 10+2 का एग्जाम SSC का। तो देखो बात ये है कि यार मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि हमारी फैमिली में सफलता का मापदंड है सरकारी नौकरी। तो पहले सरकारी नौकरी लगनी है, यूट्यूब इम्पोर्टेंट नहीं है, जॉब इम्पोर्टेंट है, तो उसी की तैयारी करता हूँ। और उसी की वजह से मैंने कुछ दिन से ब्लॉग नहीं डाल रहा था, आज यहाँ पे एग्जाम देने आया हूँ तो मैं बना रहा हूँ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैं कंटिन्यूटी नहीं रखता। मेरे साथ के कई यूट्यूबरों से बहुत आगे निकल गए हैं पर मुझे फर्क नहीं पड़ता कतई, ठीक है। आज मैंने दो चीज़ें सीखी एग्जाम में, एक तो आपका जो तैयारी महत्वपूर्ण नहीं होती, आप लास्ट तक पढ़ते हो ना बाहर, मैंने देखा सेंटर के बाहर में कुछ ना लड़के दमादम पढ़ रहे थे, तो ना महत्वपूर्ण होती है आपकी टाइम का मैनेजमेंट। अगर आप, मुझे टाइम कम पड़ गया, मैं 5 से 6 क्वेश्चन मैथ के जानता था उसके बावजूद मैं नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं बचा। तैयारी महत्वपूर्ण नहीं है, टाइम मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है पहली बार। और दूसरी बार ये कभी लेट मत होना, टाइम पे पहुंच जाना, 1 घंटे पहले पहुंच जाओगे तो मन में शांति रहेगी, पेपर अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज दो मैंने सीखी, टाइम मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है। तैयारी तो होती है जितनी होती है, और तैयारी तो 1 महीने पहले हो चुकी होती है, लास्ट में तो हम वैसे घसीटते हैं। एग्जाम देने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, यहाँ पे खाने के स्टॉल भी हैं देखो, और यहीं पे आप किसी पे भी बैग जमा कर सकते हो। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर पढ़ लेना क्योंकि सारी बातें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। सबसे पहली बात यह है कि आप यहाँ पे आओगे तो खाने की सुविधाओं के लिए देखिए, जैसे कि आप देख रहे थे गोलगप्पे, पतासी, जूस सब कुछ है। और आर्या कॉलेज ये मेन कैंपस है, आप देख लो, ये SP41 है, इसके सामने SP42 है, और जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहीं है। लगभग सारी कॉलेज एक ही रोड पे हैं, हाईवे से। सामने जो दुकान देख रहे हो आप, इन पे आप मोबाइल, पर्स, बटुआ जमा करा सकते हो। अगर आप बाइक लेके आते हो तो कहीं भी देख लीजिए सामने, और रोड किनारे जो पार्किंग है, ये संकारा कॉलेज है, तो सामने पार्किंग है और बहुत सारे लोग गार्जियंस बैठे हैं, तो यहाँ पर आप आके ईजीली बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आप आओगे कैसे। ट्रांसपोर्ट के लिए ये कि एक तो टोंक फाटक एरिया से एक AC बस चलती है, तो उस बस में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ट्रांसपोर्ट नगर से आपको मैजिक और छोटे ऑटो मिल जाएंगे, और जाने की तो टेंशन नहीं, मतलब ये जो कार है, ये ऑटो वगैरह खड़े हैं, ये यहाँ पर आपको लेने के लिए खड़े हैं, तो छूटते ही टोंक फाटक जयपुर और रेलवे स्टेशन के लिए बसें मिल जाएंगी। ये जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए, मतलब या फिर कठिनाई आ रही है यहाँ पर आने में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करो, और मेरे व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे भी पहुँच सकते हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो। ये आर्या का मेन कैंपस है, और इसके सामने दूसरी है, और इस साइड में जो स्टॉल देख रहे हो ये मोबाइल रखने वाले हैं, और जूस वगैरह और खाने पीने की दुकान यहाँ पे। तो आप गार्जियन के साथ आ सकते हो, बाइक के साथ आ सकते हो, पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी, और यहाँ पर छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हो, मतलब ये साइड में जो स्ट्रीट वाले शॉप्स होती हैं तो वो शॉप हैं। और यहीं पे ज़्यादातर एग्जाम्स लगते हैं, अगर जयपुर में किसी का सेंटर आता है तो कुकस में ज़रूर आता है। और ये जो बस खड़ी है, ये बस आपके एग्जाम खत्म हुई आपको लेके छोड़ेगी सीधा टोंक फाटक, रेलवे स्टेशन और ट्रांसपोर्ट नगर। ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ से सबसे नज़दीक पड़ता है, और मेन हाईवे जो शायद हरियाणा वाला है, दिल्ली हरियाणा गुड़गांव वाला, उससे 100 मीटर अंदर ये कॉलेज है कुकस में। 3-4 कॉलेज हैं एक जगह ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एग्ज़ाम के हिसाब से वीडियो बनाया हूँ कि अगर कोई एग्ज़ाम देने आता है तो वही पता नहीं आता कि कौन सी जगह सेंटर है, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे। तो कोई भी आपको मतलब कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सारे सब कुछ का जवाब दे दूंगा जो आप पूछना चाहें। बाकी मैंने मेरे हिसाब से सारी जानकारी जो मैं देना चाहता था वो इस वीडियो में दे दी है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दो। और ये है बस स्टैंड और ये आ गया हाईवे। अभी आर्या कॉलेज के आगे खड़ा हूँ, आर्या 4-5 है, एक तो SP40 42 तो मेन रोड पे है, यहाँ आमने सामने 40 है,
और इसके पीछे की तरफ 42, 40-42 और एक इधर है, ठीक है। तो ये चौराहा है और पीछे मेरे पीछे देखो गाड़ियों की पार्किंग है और एक पीछे जस्ट जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। तो लगभग सारी कॉलेज यहीं पे हैं, ये जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, सारी कॉलेज यहीं हैं। और ट्रांसपोर्ट की सुविधा ये है कि अगर आप जगतपुरा से आते हो या कहीं से भी आते हो तो एक तो एसी बस आती है जो टॉप फाटक होती हुई आती है, और दूसरा जगतपुरा और ट्रांसपोर्ट नगर से बसें आती हैं बहुत सारी, और मैजिक आते हैं तो आप वहाँ से किसी भी मैजिक में आ सकते हो। और सारी कॉलेजें यहीं हैं, ठीक है। ये दिख रहे हो आगे पीछे इस चौराहे पे, ये लगभग हाईवे से बस 100 मीटर 200 मीटर अंदर इधर है। तो साथियों कूकस में एग्जाम देने का सफर अच्छा रहा, ये आ गया हाईवे और मैं बाइक से आया था। तो अब मैं कमरे पर पहुँच रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रौनक जयपुर आपके लिए हाजिर है और ये है हाईवे, अंदर की तरफ है कूकस, ठीक है।